ट्रैकिंग की शुरुआत हमने कर दी है और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे छोटे से गाइड, इनका नाम है आयुष और ये अपने बारे में खुद बताएंगे। आयुष कितनी बार जा, पानी की बॉटल, हल्का फुल्का नाश्ता या फिर गर्म चाय, लेमन टी, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। तो रिकमेंडेड तो यही है कि यहाँ महंगा मिलेगा, तो ठंड लगनी भी शुरू हो गई। जहाँ पे धूप है वहाँ पे तो ठीक है, बट जहाँ, अच्छा शिव भगवान ने तपस्या नहीं की थी? हाँ की थी। जैसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही है इधर से हवा, ऊपर करीब और 4 किलोमीटर और वो पीछे जो पहाड़ी दिख रही है कौन सी, एक नहीं टूटा। तो यहाँ पर मस्ती करने के बाद अब हम निकल गए। डंडा ऑलमोस्ट अंदर चला गया। चढ़ाई थी आज पहले दिन की बेस कैंप तक की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। बेस कैंप थोड़ा सा नीचे है यहाँ से, तो यहाँ से ट्रैक थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 और हम पहुँच गए हैं बेस कैंप में। कुछ सामने कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको भी दिखाता हूँ। और तकरीबन 6 घंटे लगे, सुबह 9:30 बजे निकले थे हम नीचे से और रुकते रुकाते सब जगह पूरे 6 घंटे में बेस कैंप पहुँच गए। बेसिकली जो हमने कैंप बुक किया है, आपको उसका थोड़ा सा डिटोर दे देते हैं कि कैसा होता है कैंप अंदर से और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। भाई आपको दिखाता हूँ कैंप के अंदर क्या है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कैंप और 2 स्लीपिंग बैग है जिसमें 2 लोग आराम से रात को रुक सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है रात को सोने के लिए। और ये डबल लेयर से प्रोटेक्टेड है ताकि आपको आराम से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से इसमें ठंड अंदर ना जा पाए। उसके अलावा इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ टॉयलेट, जिसकी बहुत वो कंसर्न होता है कि अगर कैंप में रुक रहे हैं तो टॉयलेट का क्या अरेंजमेंट होता है। तो बेसिकली अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी गाइड के थ्रू आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको टॉयलेट्स का अरेंजमेंट अलग से करके मिलता है। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं ऊपर और हमारे साथ हैं साईराम जी, जिन्होंने हमारे लिए टेंट का पूरा अरेंजमेंट किया है। साईराम जी, टेंट में क्या क्या व्यवस्था होती है, क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे केदार कांटा का जो बेस कैंप है, इस पे हमारे जो व्यवस्था है टेंट में, एक पर पर्सन के लिए एक स्लीपिंग होगा और मैट्रेस होगी और जो भी सब लोग व्यवस्था देते हैं उससे भी हमारा बेटर है। अच्छा साइनम जी, एक जो छोटी जी हमारे साथ भी हुई कि अगर आप किसी कंपनी के थ्रू नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, तो डायरेक्ट आना सही है या फिर किसी कंपनी के थ्रू बुक करके ही ऊपर है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना चाहिए और अरेंजमेंट करने के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होता है। अगर कुछ लोग सोलो ट्रैकर बन के आते हैं बिना रिजर्व के, कंपनी रिजर्व करके, तो वो थोड़ा अपना कैंप तो लेके आए मिनिमम। अगर अपना कैंप लेके आ रहे हैं, हाँ अपना कैंप लेके आए और खाने वाने का जुगाड़ करके आए। और जो यहाँ पे नेशनल पार्क गोविंद राष्ट्र पार्क है, तो इसमें भी एक आपको कंपलसरी गाइड दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन जो पर्सनल आ रहे हैं उसके लिए एक दिक्कत ये होगी कि अगर सुबह वो ऊपर जाता है हिल पे, तो बिना गाइड के जाना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, काफी डेंजरस है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत डेंजर है ना? वो गाइड के साथ ही करें, गाइड के साथ करें और गाइड गाइड करता है कि किस कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा बेकार है। अच्छा अच्छा जी, चलिए आप हमारे साथ जाएंगे सुबह? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सुबह इनके साथ हम करेंगे पूरी ट्रैक ऊपर हिल टॉप तक और सनराइज का भी आनंद लेंगे। तो अभी हमें आए हुए यहाँ पर हो गया था तकरीबन 40 से 45 मिनट और हमारे पास कुछ भी करने के लिए था, क्योंकि अब जो ट्रैक होनी है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में होनी है। तो हमने उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन किया और हमने बना लिया स्नोमैन। आइए आपको दिखाता हूँ स्नोमैन कैसा दिख रहा है। आइए मेरे, ये हमारा स्नोमैन। इसमें हमने एक स्पेशल मैसेज भी डाला है कि कृपया यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें, क्योंकि पहाड़ हमें प्रिजर्व करने हैं और वहाँ की सारी गंदगी हमें अपने साथ ले जानी चाहिए। यहाँ पर गंदगी की प्रकृति को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। तो इसको फॉलो करते हुए हमारा स्नोमैन ये है। अगर आपको ये स्नोमैन अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो फिलहाल अभी हमने शुरू कर दिया अपना अर्ली मॉर्निंग ट्रैक 3 बजे का पीक के लिए। तो पूरा अंधेरा है तो बहुत कुछ तो नहीं दिखा देते,
लेकिन चल रहे हैं हम लोग और जितना पॉसिबल होगा उतना आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली आपको ये जो पीछे टॉर्चेस दिखाई दे रही हैं ये सारे के सारे वो लोग हैं जो ट्रैक कर रहे हैं। सो गाइज हम पहुंच गए हैं केदारकंठा माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर जहां से सुबह दिखाई देता है एकदम ब्यूटीफुल सनराइज। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आप देखिए सामने कैसे क्लाउड्स प्रॉपरली ऑरेंज शेड ले चुके हैं, यानी कि अब से कुछ 15-20 मिनट में यहाँ पर सनराइज़ हो जाएगा। खैर जब तक सनराइज़ होता है तब तक देखिए आसपास का नज़ारा। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, अगर आप यहाँ तक आने का प्लान कर रहे हैं तो पूरे तरीके से कवर होके आइए। जब तक सनराइज़ होता है आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर हम अपने राइट में देखेंगे तो वो है सामने शिव जी का मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पर कहा जाता है कि शिव जी तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या भंग हो गई थी। फिलहाल इन्जॉय करते हैं हमारा सनराइज़। बेसिकली ठंड से तो यहाँ पर हमारी कुल्फी जम चुकी है और जो सनराइज़ हम देखने आए थे वो आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, थोड़े बादल होने की वजह से सन नहीं दिखाई दे रहा है बट सनराइज़ हो चुका है और इस टाइम मौसम भी काफ़ी हद तक स्नो का हो गया है, ख़राब हो गया है। तो अभी सबको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि यहाँ से नीचे चल दिया जाए क्योंकि अगर स्नो पड़ने लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल साईं राम जी से जान लेते हैं इस मौसम के बारे में, जो फिलहाल मौसम हो गया है आपको क्या लगता है स्नो का क्या चांसेस हैं अभी फिलहाल? जी मैं तो ये कहता हूँ कि पहाड़ में कभी भी मौसम बिगड़ने के चांसेज हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मुंबई का फैशन और पहाड़ का मौसम का कोई भी विश्वास नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। 7:15 पे यहाँ पे सनराइज होता है, अभी 7:20 हो गया है। आज मौसम खराब है इसलिए आप लोग सनराइज नहीं देख पाते हैं। सूरज ऊपर जाते हैं जी, तो वही लेकिन बादलों की वजह से हम उसे अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट ये पूरा व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा आप रेगुलर कितना आ जाते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस होती हैं ट्रैवलर्स के साथ अगर आप आते हैं पूरा ग्रुप लेके? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेवल आता है तो अपने संसाधनों के साथ आइए, यहाँ पर तो कुल्फी जम जाती है, अगर एक सेकंड के लिए ग्लव्स से हाथ निकाल दिया जाए तो एकदम जाम हो जाते हैं। हम तो पहाड़ के लोग हैं, थोड़ा ज़्यादा ठंड नहीं लगती, बिल्कुल फील कर पा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा वो जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप 15-20 लोगों का ग्रुप लेके आ रहे हैं, रास्ते में ही किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उस केस में क्या किया जाता है, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? हमारे पास एक स्पेशलिस्ट होता है हमारे ग्रुप में, तो अगर कुछ हो जाता है तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो उनको हम वापस रिटर्न कर देते हैं और जिन लोगों का फेवर अच्छा होता है उन लोगों को हम जो है ट्रैकिंग करवाते हैं। थैंक यू साईं राम जी। जी नमस्कार। तो ये थे साईं राम जी और अब हम यहाँ से नीचे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा था ट्रेल, क्योंकि जब हम सुबह आ रहे थे तब तो अंधेरा था और आप कुछ देख नहीं पाए, लेकिन अब जब वापस जा रहे हैं तो रोशनी हो चुकी है। तो देखिए कितना सुंदर है ये पूरा का पूरा ट्रेल। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि शंकर जी बैठ कर तपस्या कर रहे थे, और ये छोटा सा जो मंदिर रखा गया है। तो मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और अब वापस चलते हैं नीचे की तरफ और आपको दिखाते हैं बेस कैंप तक का रास्ता कैसा है। मज़ा आ रहा है काफ़ी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि सूरज नहीं निकला है, स्नोफॉल का आपको बताया ही है कि अब अंधेशा हो गया है, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो गया है। चलिए चलते हैं, एंजॉय करिए आप वीडियो हमारे साथ और एक बार व्यू को देखिए, लुक एट दिस व्यू। सो बेसिकली इट्स टाइम टू मंच समथिंग, लेकिन इसका प्लास्टिक रैपर हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो कैलोरीज ज़रूरी हैं जब आप हाइक करते हैं या फिर माउंटेन पे नॉर्मल भी वॉक करते हैं, थोड़ा सा कैलोरीज लेते हैं क्योंकि आप अपनी बर्न भी कर देते हैं, वेट नहीं बढ़ेगा। ये वेदर, पहाड़ियाँ और ये व्यू, उसके साथ में ये चॉकलेट,
जन्नत से कम नहीं है सर। लविंग इट। ये आपने काले बादल देखे क्या? ये इंडिकेशन है कि स्नोफॉल कभी भी हो सकती है। तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि नीचे उतरते उतरते आप पूरे मज़े ले सकते हैं इस ट्रैक के, तो हमने भी कुछ नया तरीका अपनाया, या यूँ कहें पुराने को नए रूप में अपनाया, और जो बचपन में गेम खेलते थे कुछ वैसा ही गेम बर्फ़ में खेलने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भी दिखाता हूँ क्या खेल रहे हैं हम। इसको हमारे यहाँ पर जीरो कट्टम कहा जाता है। आपका आपके यहाँ पे क्या कहते हैं आप हमें कमेंट में बताएं। बाकी ये देखिए, दिख रहा है आपको? मेरी चांस आ गई। और मैं बताऊंगा सेंटर में जीरो, जो काफ़ी हद तक स्पेरिकल बन गया है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड ही नहीं हूँ। और इसी के साथ ये गेम ड्रॉ हो गई है। इसी के छोटे छोटे बना करते हुए आप जा सकते हैं। बर्फ बहुत सॉफ्ट है, ये देखें एकदम रुई की तरह, और बहुत डीप भी है, तो थोड़ा सा सेफ रहें और मस्ती मजे करते करते नीचे चले जाएं। अभी हम यहाँ से जब नीचे उतर रहे थे हमें एक फ़ोटो देने के स्पॉट दिखाई दिया। यहाँ पर हमने कुछ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई जो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिले हमें जंगली मशरूम। एक बहुत सिंपल सी बात है, ये जंगली है इसलिए इसे खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बाकी दिखने में बहुत सुंदर है, फ़ोटो खिंचवाएँ और आगे बढ़िए। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि स्नोफॉल के प्रेडिक्शंस हैं, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। बेसिकली ट्रैक हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने के उस पर आ गया है, और वो हमारा बेस कैंप दिख रहा है पीछे। तो बस अब बेस कैंप जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस संकरी जाके दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करके सपोर्ट करें चैनल को। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट छोड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्नोफॉल के बीच वापस जाते जाते आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप कुछ ऑफ बीट करना चाहते हैं या अपने ट्रिप को एक दिन एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ के एक बहुत ही सीनिक विलेज यानी कि हर गाँव में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं हर गाँव के कैंप्स हैं, यहाँ पर आएँ एक रात यहाँ पर भी आप बिता सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, और इस व्यू का मज़ा लें। फिलहाल तो मैं स्नोफॉल का मज़ा ले रहा हूँ।